न्यूली इलेक्टेड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तौर पर सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने के बाद क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने हैं और क्या क्या रेमेडीज वो सोचे हुए हैं इस बारे में, स्ट्रेटेजी उस बारे में क्या है। सबसे पहले सर आपके पास मैं आऊँगा, बहुत शुभकामनाएं आपको इस पद के लिए। SCBA के सामने इस वक्त क्या क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, SCBA जो है वो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के नाम से जैसे लगता है, ये एपिक्स बॉडी बार एसोसिएशन की है, तो हमारी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो कंपैरेटिवली और बार एसोसिएशंस के मुताबिक कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा हैं। हमें उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। वी हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वी हैव गॉट लॉट ऑफ प्लान्स से लाइक जो हमारे जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए, यंग लॉयर के लिए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अभी हम शुरू कर रहे हैं। अभी हमारे पिछले साल से हमारे सेक्रेटरी ने एक प्रोग्राम शुरू कर रखा था कि लेक्चर सीरीज जी, जिसको हम लेक्चर सीरीज करते हैं। हम जो यंग लॉयर्स हैं उनको बुलाते हैं और वो लंच में 1 से 1.5 बजे तक सीरीज करते हैं। लेक्चर सीरीज इज़ वन थिंग। दूसरा, वी आर प्रपोजिंग के जो ये यंग लॉयर्स हैं इनका एक ग्रेजुअल लेवल पे अपग्रेडेशन होना चाहिए, जिसमें बार एसोसिएशन को लगना चाहिए। इसमें केवल सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं है जी, और हम एसोसिएशन से भी संपर्क करेंगे कि वो भी लॉयर्स का अपग्रेडेशन करें। दुनिया में सब जगह होता है अपग्रेडेशन करने के लिए, बेटर करने के लिए, तो वी आर थिंकिंग ऑन दोस लाइन। एक और इम्पोर्टेंट समस्या रहती है सर, वो बार और बेंच के जो रिलेशनशिप होता है उसको और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए, तो उस बारे में SCBA का इस बार क्या स्ट्रेटजी है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के साथ कल हमारी मीटिंग हुई थी, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि मंथली बेसिस पे हमसे रेगुलर मीटिंग हमारे साथ करें, जो हमारी बार की रिक्वायरमेंट है मेंबर्स की उसको एड्रेस करें और जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उनके वेलफेयर के अंदर वो करें। लेकिन ऐसी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सर जो आपने रखी हैं CJA के सामने? जैसा कि हमारे एक सोशल सिक्योरिटी का, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने एक प्रपोज़ किया जो कि हमने प्रधानमंत्री जी को भी भेजा है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि उसके अंदर थोड़े बहुत माइनर एनहांसमेंट ऑफ एडवोकेट वेलफेयर फीस का हमने प्रपोजल दिया है कि जो हमारे को अगर करने दिया जाए तो उससे हम बहुत ज़्यादा लेवल पे अपने मेंबर्स को और ऑल ओवर इंडिया उसको एज एन एग्जांपल सारी बार एसोसिएशन अगर अडॉप्ट करें तो एक सोशल सिक्योरिटी एडवोकेट्स को जो आज की डेट में नहीं है वो अवेलेबल हो जाएगी। दिस उसके अलावा और क्या क्या सर? उसके अलावा जैसा हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब श्री जितेंद्र मोहन शर्मा जी सीनियर एडवोकेट साहब ने आपको बताया कि हम लोगों ने एजुकेशनल प्रोग्राम्स शुरू कर रखे हैं, साथ में हमने लेक्चर सीरीज़ भी कर रखी है, जिससे कि उन लोगों को एक इंडिपेंडेंटली मौका मिलता है सीनियर एडवोकेट और जजेस के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं, बहुत अच्छा उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है उस चीज़। ठीक है, लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि SCBA का इस बारे में मानना क्या है कि एक जो नए वकील हैं, नए यंग लॉयर्स जो हैं, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आकर प्रैक्टिस करें कि पहले प्रैक्टिस की उनको ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है, इसके लिए गाइडलाइन इन लोगों ने बनाई है जो कि आगे मेंबरशिप कमेटी, जितेंद्र मोहन शर्मा जी और विक्रांत जी और रोहित जी, ये सारे लोग जो मेंबर्स हैं, आदित्य जी और अपने विकास बंसल जी, ये लोग बैठ के तय करेंगे। लेकिन इससे भी जो बड़ी बात है कि सबसे पहले जो उनकी समस्याएं हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए, और दिल्ली में कोई जगह नहीं है रहने के लिए जी। तो हम लोगों ने जैसे पहले कोशिश की थी, आज यहाँ पर एक अच्छा मौका था, हमने सेक्रेटरी हाउसिंग को और नोएडा के CEO को और ग्रेटर नोएडा के CEO को इनको बुलाया था, और इसी जगह पे हम लोग की एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। अगर हम सब लोगों को एक ज़मीन मिल सकती है, हम लोगों को तो ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ बैठे हैं इनमें से किसी को मकान नहीं चाहिए, लेकिन अगर बार के मेंबर्स के लिए हो सकता है तो हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और एक अगर 10 एकड़ का प्लॉट मिल जाता है और सही जगह पर मिल जाए, जहाँ से कम आप 30 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएँ, तो जो यंग लायर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। जैसे हम लोग जब पहली बार आए थे तो हम लोग को रहने की जो समस्या हुई थी और साथ काम करने के लिए लोग नहीं मिलते थे, वो समस्या शायद अभी नहीं रहेगी। बाकी विस्तार से इसके बारे में ये सारे जो मेंबर्स हैं ये लोग आपको बताएंगे, आपको इन लोगों से इसके बारे में बात करना चाहिए। यंग लॉयर्स के सामने सर एक दिक्कत और आती है सामने, और वो दिक्कत ये है कि सिर्फ मॉनिटरी लेवल पर ही उनको सहायता की ज़रूरत नहीं होती, यंग लॉयर्स जो होते हैं उनको किसी अच्छे वकील के साथ काम करने का मौका मिले ये भी उनके लिए बड़ी बात होती है। तो सर क्या ऐसा कुछ प्रावधान SCBA इस बार रखेगी कि जो भी यंग लॉयर्स हैं उन्हें कम से कम समानता के साथ मौका मिले, ऐसा ना हो कि निराश होकर वो प्रोफेशन छोड़ दें? निराश होकर हमारे लीगल प्रोफेशन को कोई छोड़ता नहीं है, ये मानने की चीज़ तो है कि लीगल प्रोफेशन के अंदर जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है, 5-7 साल के बाद में पता लगता है कि वकालत में आदमी जमा कि नहीं जमा, चली कि नहीं चली जी। लेकिन छोड़ता कोई नहीं है जी। दूसरी चीज़ है, हमारा प्रयास रहेगा कि भी हम जितने भी अच्छे अच्छे सीनियर हैं उन लोगों को सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि
ज़्यादा से ज़्यादा जूनियरों को काम दें, सिखाएं और साथ में रिम्यूनरेशन भी कुछ उनको मिले, उनको एनकरेजमेंट मिलता रहे ताकि वो प्रोफेशन छोड़े नहीं, जो आपका जो से आपने व्यक्त किया कि छोड़ दें। छोड़ता तो नहीं है लेकिन दुखी जरूर हो जाता है, परेशान होता है पैसे की कमी में। तो हमारा कोशिश रहेगी। दूसरी, हमारे यहाँ अब इस साल एक नया चैम्बर ब्लॉक बन रहा है तो उसमें भी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वकील लोग एडजस्ट हो जाए उसमें। ऐसा नहीं रहेगा कि भाई किसी के पास में काम करने के लिए जगह ही ना है, बैठने की कुर्सी ही ना मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें एडजस्ट करेंगे। यंग लॉयर सर इस बात से भी परेशान रहते हैं कि उनको एक अच्छे गाइडलाइन नहीं मिल पाती है या कई दफ़ा उन्हें बाकी भी करियर में परेशानियाँ उनको सहनी पड़ती हैं, तो सर यंग लॉयर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रैक्टिस अगर शुरू आके करते हैं तो किस तरीके से शुरुआत उनकी होनी चाहिए ताकि करियर में बेहतर उनको गाइडेंस मिलती रहे? सर मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, शुरू में आपने इनिशियल किया कि एज एस सी बी ए हम जूनियर मेंबर सेलेक्ट क्या कर रहे हैं जी। यस्टरडे वी मेट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमने ये उनसे रेज किया कि जो लॉयर पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है वो कहीं किसी हाई कोर्ट में नहीं जाता, तो वो कैसे जज बन रहा है किसी भी हाई कोर्ट का? तो हमने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करी है कि सर जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है जूनियर मेंबर कई साल से और वो कैलिबर है, कॉम्पिटेंट है, तो आप उसका नाम रिटर्न करो कंसर्न हाई कोर्ट में, तो जरा वो भी जज बन पाए। खाली जज के बच्चे ही अगर हाईकोर्ट के जज बनते रहेंगे तो कॉमन लॉयर कहाँ जाएगा? तो चीफ जस्टिस ने खैर डिनाई कर दिया इस बात को, बट वी विल रेज एंड आवर सेक्रेटरी वेरी वेरी कॉम्पिटेंट, ही विल कॉल ए जनरल बॉडी फॉर दैट ओनली दैट। ठीक है, आपसे मैं जानना चाहूँगा इस बारे में कि और क्या कैसे इनिशिएटिव्स हैं एससीबीए के द्वारा जो लिए जा रहे हैं या लिए जाएंगे जिससे कि निकट भविष्य में वकीलों को और खासतौर पर वो लोग जो कि शुरुआत करने जा रहे हैं अपने इस प्रोफेशन में उनके लिए थोड़ा आरामदायक सफर रहे। देखिए लॉयर्स के लिए खासतौर से यंग लॉयर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इस प्रोफेशन में और दिल्ली में आकर के प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपको बताऊं मेडिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जो अभी आप समझो आपकी कुछ ऐसे हमारे लॉयर हमारे बीच में हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा होती है, उसको हमें सुधार के लिए हमें क्या करना होता है, हमारी बार को स्टेप उठाना होगा, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो या हमारी बार एसोसिएशन हो, उन्हें स्टेप उठाना है कि मेडिकल हेल्थ हमें कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी हेल्प उनको हो जाए यंग लॉयर्स को जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब ने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अभी युद्ध स्तर पर अभी आके काम किया है इस पर कि मेडिक्लेम हम अभी आज सपोज करो आप कोई भी हमारा एक बार का मेंबर किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो हमारे लिए दिक्कत क्या हो जाती है उसमें कि हमें अगर 5 लाख का आज सरकारी हॉस्पिटल में कोई नहीं जाना चाहता है, आज कोई भी जा रहा है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि वहाँ बेस्ट फैसिलिटी मिलती है, डॉक्टर्स मिलते हैं वहाँ पे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमें मैक्सिमम 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं अगर किसी प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं आप, तो इसलिए हम उस पर काम कर रहे हैं और हमारी बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे ट्रेजरर साहब ने भी काफी उसमें काम किया है, तो मिलकर सभी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है सर, और बाकी सदस्य भी जानते हैं कि और क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि स्मूदन पूरा प्रोसीजर हो सके। एक यंग लॉयर भी हैं आप, क्या क्या परेशानियां फेस आप लोग करते हैं और कितना समाधान नज़र आता है आज की तारीख में, क्या क्या और अपेक्षाएं हैं? देखिए सबसे पहले तो एक प्लेसमेंट सर्विस होनी चाहिए जहाँ पे प्लेसमेंट के लिए जिसको ज़रूरत है वो वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करें और जो सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए जो हम बनाने के उसमें हैं कि उससे अगर किसी को ज़रूरत है कि हमें किसी सीनियर के यहाँ काम करना है या किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के यहाँ काम करना है तो ज़रूरत अनुसार उसको वहाँ पे प्लेसमेंट बनाई जाए और कोई जो ज़रूरतमंद आदमी है जो बाहर से आए हैं और उसको अब अगर उसका काम इतना नहीं चल पा रहा है तो स्टाइफंड सर्विस भी अगर हम दे सकते हैं कोई स्टाइफंड पर्टिकुलर अमाउंट। तो एससीबीए के मेंबर्स हमारे साथ थे, चयनित मेंबर्स इस वक्त के, और उन्होंने बताया इस बारे में कि एससीबीए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, क्या क्या इनिशिएटिव अब तक लिए गए हैं ताकि वकीलों को बेहतर सुविधा हो, वकीलों की सहूलियत हो, स्पेशली जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए एक बेहतर भविष्य की प्लेटफॉर्म वो लोग तैयार कर सकें।